इधर देखो तो मैं ना उधर नहीं देखा, उधर ही देखो तो मैं क्या बात कर रहा था कि भी हम क्यों लगाते जो तुमने चूना वगैरह बनाया इसमें देखो ये तो तकरीबन आपका पेड़ ठीक है कुछ जगह जहाँ धूप ज्यादा पड़ती है इसीलिए हम इसको अक्टूबर में धूप वाली साइड में आप बताना है इसमें इसकी खाल उतर जाती है ठीक है खाल उतर जाए तो आस्ते आस्ते अगर आप इसकी केयर नहीं करेंगे तो इसमें क्या होगा कैंकर की शेप ले लेगा पूरी चमड़ी उखड़ जाएगी अगर पूरी चमड़ी उखड़ गई तो आप नीचे से जो जमीन में से तत्व जाता है ना इसके इसमें जाते हैं बार्क बोलते हैं इसको ठीक है अगर आपकी ये खत्म होगी तो ये इसलिए हमने इसको बचाना है तो हम इसका कार्य इसलिए हम अक्टूबर से लगाना शुरू करते हैं क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी पाँच महीने के लिए इसमें पत्ते ही होता है तो डायरेक्ट जो धूप आ रही है आपकी यहाँ लग रही है ना ऊपर में इतना फर्क पड़ता है तो ये हमने प्रोटेक्ट करना है इसलिए कार्य जो है इसको हम सितंबर में अक्टूबर के बाद कर लेते हैं ठीक है अब ये पहले का चीज इसको उखाड़ना है क्योंकि देखिए ये है ना इसका ये जो सारी खाद है ना ये तो फिर भी ठीक है इसको उखाड़ना पहले अच्छी तरह से ये निकल जाए आपकी चीज के और अंदर अब ये जैसे मैं बता रहा था इसमें हम पेस्ट लगाते हैं ठीक है कौन सा पेस्ट लगाते हैं या तो चपाटी पेस्ट हो गया क्योंकि ज़्यादा करते हैं देखो जब ये यहाँ से कटा था कोई चोट थी तो ये इसी टाइम हमारा पेस्ट लगना चाहिए ये हील हो रहा है ये देखो ये वाला है ना कवर होना चाहिए बहुत बड़ा कट है इसलिए हील नहीं हो रहा है तो इसको इसको भी ये इसमें भी आस्ते आस्ते अगर इसकी केयर नहीं करेंगे ये सारा घाव फैलता रहेगा और इसमें हम इसमें पेस्ट लगा लेंगे ठीक है अगर आपके पास पेस्ट नहीं मिला तो इसमें हम एक और लगाते हैं जो चिकनी मिट्टी गोबर ठीक है और बीच में हल्का अलसी का तेल इस तरह सब बना के जैसे आटा बनाता है ना वो लगा के इसको अच्छी तरह इसको पेस्ट कर दो पूरा भर दो और ये हील हो जाएगा अगली बार के ठीक है तो इसलिए ये देखो ये है ये लगा दिए भी अगर आप इसको क्या करेंगे इसके नीचे ना आपकी वूली एसिड भी छुपा रहता है स्केल है और माइट के अंडे भी होते हैं क्योंकि सर्दियों में इन्होंने बचना है ना आगे एक जनरेशन होती है सर्दियों में यहाँ छुप जाते हैं आगे जैसे इसमें सैप करना शुरू होता है एक्टिव हो जाता है इसलिए हम आप लोग पर तो इसमें स्प्रे करती है लेकिन ये कुछ छुपे जाते हैं कुछ जड़ों में चले जाते हैं तो ये आपने बिल्कुल अच्छी तरह इसको ये रगड़ना है ये बहुत बड़ी इसको रगड़ना कितना है देखो जब हरापन आ जाए ठीक है ना हरापन ऐसा इसको कुछ नुकसान नहीं होगा पेड़ को अगर तो बहुत ज़्यादा रगड़ें तब तो ये नुकसान होगा लेकिन आपने रगड़ना इतना है जब तक ये हरा देखो डेड टिश्यूज हो गई ये वाला ये सारी निकल के इतना आ गया इसके ऊपर अगर आप ये चूना लगाते जो अभी हमने बनाया कॉपर सल्फेट लाए वाली पेड़ तो ये पूरा ये आपने अगली बार ही हील हो जाएगा ठीक है तो इस तरह इसको करो सारा और ये इतना नहीं लगाना इसको आप यहाँ तक भी लगा लो कोई बात नहीं इतना लगा लो ठीक है ये देखिए आप इसको करिएगा ये देखो आप इसकी भी ये रगड़ना है ठीक है करो इसको इसको